दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। ए हाउस थ्रेटन्स टू रिपीट आयशा लाइक केस आफ्टर ए कंप्लेंट गिवन अगेंस्ट हर हस्बैंड इन पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन सीकिंग जस्टिस एंड डिमांड्स टू गेट द कस्टडी ऑफ हर टू किड्स। मेरे शौहर का नाम शेख अखिल है, बहुत सुतम कर रहे हैं, मेरे संगत बहुत लड़े, कल आके यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने आके बहुत खुंदल खुंदल के मारे मेरे को, तो पुलिस वाले भी देखे बीच में मारे सोनू मारे हम लगा यहाँ पर खैरताबाद में रहते, मेरा गांव क्या कि सुल्तानपुर है, मेरे को दो बच्चे हैं उनके घर में, हर फैमिली पूरी मेरे को तंग करती, हमें को तलाक दिए थे, तलाक देने के बाद भी ऐसा नहीं करते बल्कि उनके बाटेदारों सब जने आके शादी को बुला लेके ले गए, लेके बाद में भी फिर वही टाचर है उन लोग का, हमारे अम्मा बाबा का नहीं भिजाते हमारे को, हमारे क्या बोलते पीएस को गए तो कल से पुलिस स्टेशन को जा रहे तो ये पेपर दिए हमारे पास दिए वो भी कल से हम फिर रहे तो कंप्लेंट दिए आप? हाँ कल दी मैं कंप्लेंट, कल दिए तो आज दिए मेरे को ये पेपर, वो आदमी अच्छा आदमी नहीं होता, मैं छुरियाँ लेके मारने को आते, हर एक तमाशा खेलता, जुब्बा खेलता वो आदमी, ऑटो नहीं चलाता कुछ भी नहीं चलाता, जुब्बा खेलता वो आदमी, उससे कुछ भी नहीं होना, मेरे दो बच्चे मेरे को ना, एक बच्ची 7 साल की है, बच्चा 8 साल का है मेरा, मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो वाइशा कैसा कूद के मर गए, टाइम वन में कूद के मैं भी मर जाती वैसी। तेलंगाना के तरफ से केसीआर साहब मेरी मदद करो, आप लगा मेरे दो बच्चों के लिए मेरे को इंसाफ दिलाओ मेरे को। हमारे अब्बा फूलों का काम करते, मेरे अम्मी घर में काम करते, घरों का काम करते, मेरे को कौन नहीं है इन लोगों के अलावा आगे पीछे पूछने वाले, और लोग क्या कि मेरे को हर हमेशा घर में से निकल के चले जाओ, मैं दिन रात मेहनत करते रहता भी मेरे को क्या कर रहे बोलते मेरे को, आप लोग के पैरा पड़ती हूँ हाथ जोड़ती, मेरे दो बच्चे मेरे को सही सलामत है दे डालो मेरे को। पंजागुट्टा पीएस में लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जाफर है, मेरी बच्ची के संगात बहुत टॉर्चर हो रहा, मैं बहुत बेजार होगा देख देख के तमाशा, अब मैं बेजार, अब मेरे को हुकूमत से तेलंगाना हुकूमत से मेरे को इंसाफ चाहिए, केसीआर साहब, असदुल्ला साहब, अकबर अली साहब, मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं बहुत बेजार होगा, अब मेरे को मेरे बच्चे, मेरी बच्ची के बच्चे लेके चले गए कल पीएस में से, हम आप कल लेके हमारे दामाद लेके चले गए, नाश्ता करा तुम बल्कि लेके चले गए, मेरे बच्ची के बच्चे होना, मेरे को बच्चों के बगैर हम नहीं रह सकते, बच्चे किसी हालत के बच्चे होना हमारे, आप लोगों से बहुत बड़ी खुशी है, केसीआर साहब, केटीआर साहब, असदुल्ला साहब, अकबर अली साहब, आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है कि हमारा इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ होना। आप काम क्या करते हैं? मैं फूलों की दुकान पे काम करता हूँ, चिलगोड़े में काम करता हूँ, मैं चिलगोड़े में रहता हूँ, और मेरे मिसेज वहाँ हैदराबाद मक्ते में रहते, कल मक्ते में हुआ है गड़बड़ सर, कल सुबह ये खाली ये पेपर आया और कंप्लेंट, पुलिस वाले भी ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे, कल ये पेपर दिए, आज ये पेपर क्या बोले पुलिस वाले क्या बोले, वो साफ नहीं है, मंगल के दिन आते बोल रहे, फिर हम अपनी भी ईद है, वो लोगों की भी होली है, अभी छुट्टी लोग बोल रहे, मैं तो मैं नहीं रहता हूँ घर में, कल के दिन मेरी बच्ची को रात रात कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन होते, अगर वो बहुत डेंजर आदमी है मैं उससे छुटाना चाह रहा हूँ, मैं मेरी बच्ची के सुकून होना मेरे को, हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? मेरे को इंसाफ होना मेरे को, मेरी बच्ची का इंसाफ होना मेरे को, मेरी बच्ची का सामान नहीं आता होना मगर बच्चे तो होना। ओके सर।